हेलो हाय एवरीबॉडी। हेलो राज, मैं ऑडिबल हूँ क्या? सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? लेट मी कंफर्म प्लीज, अगर आवाज सुनाई पड़ रही है तो एक बार कंफर्म करना। ओके ओके ओके, मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? चलो जी, आवाज आ रही है, ग्रेट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं सीएचएसएल का। तो बेसिकली मैंने दो मॉक टेस्ट आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है। तो फिर हम इसको शुरू करते हैं, बस एक सेकेंड देना मुझे। ओके okay। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ठीक है? देखो, ऑलरेडी मॉक टेस्ट करने से होता क्या है कि मॉक टेस्ट करने से आपको ये समझ में आ जाता है बेसिकली जो एग्जाम आप देने वाले हो आने वाले टाइम में, या जो एग्जाम आप दे रहे हो तो उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है? किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, और उसके साथ साथ आपको ये समझ में आता है कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, मतलब आप एग्जाम के लायक हो चुके हो क्या? अगर आपको एग्जाम दिया जाए तो आप क्वालिफाई कर सकते हो, अगर पेपर दिया जाए तो क्या वो चीज़ क्वालिफाई आपसे हो सकती है? तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो वही बुक ले परचेस कर लेते हैं और वो कॉमन एरर के क्वेश्चंस करते रहते हैं करते रहते हैं, लेकिन अगर सही मायने में उनको एग्जाम क्रैक करना है तो जो मेरा सजेशन है उनके लिए, उनको मॉक टेस्ट रेगुलर देना चाहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट से, वही मैं आपको बताया कि क्या चीज़ होता है, कि जैसे एग्जाम में हम लोग लेवल के पीछे भागते हैं कि क्लास में कि क्या लेवल आता है कैसे आता है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता। बट बेसिकली मॉक टेस्ट से हमें आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, फॉर्मेट क्या है, किस एक ट्रेंड क्या है, एसएससी का ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस वगैरह पूछने का, ठीक है? देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये क्वेश्चंस देखना एक एक करके बहुत ईजी है। ये हम अगर मॉक टेस्ट की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ये हमारा थर्ड मॉक टेस्ट है, ठीक है? ये कौन सा मॉक टेस्ट है? ये मॉक टेस्ट थर्ड है। इसके पहले हम लोगों ने दो मॉक टेस्ट कर लिए हैं, ठीक है? अब ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स की बात मैं करता हूँ। एक क्वेश्चन दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ देयर वर नॉट एनफ। एक एक चीज मैं करके आपको बताते चलता हूँ। अगर मैं देयर की बात करूँ तो आपको पता है देयर एक होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, एक देयर होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को सही मायने में इंट्रोड्यूस करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं देयर वाज अ किंग, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो यहाँ पे ये जो देयर है ना वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्योंकि इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो किंग है और इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? और ये जो वाज लगता है ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। और एक देयर होता है तुम्हारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे आई वॉन्ट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो अब वहां पे ये देयर जो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहा है वो तुम्हारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। वर नॉट इनफ टिन स्मिथ्स, ठीक है? टिन स्मिथ्स क्या होते हैं? टिन स्मिथ इज द स्टील, मतलब कटिंग द स्टील, मतलब हु, ऐसे लिख दो, हु कट्स द स्टील, हु कट्स द स्टील, ये जो स्टील वगैरह काटते हैं ना उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? टिन स्मिथ्स बोलते हैं। इन वियना, ये जो वियना वर्ड लिखा हुआ है ना, ये कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ये क्या है? ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है? अब क्या कह रहा है कि देर वर नॉट इनफ, बहुत ज्यादा टिन स्मिथ्स नहीं है कहाँ पे, इन वियना में। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। टू क्या करने के लिए? द, अच्छा, लैंटर्न्स वो होते हैं लालटेन, अगर तुमने देखे होंगे गांव में, तुमने देखा होगा लालटेन, जो स्ट्रीट लाइट। पहले देखो गांव में क्या होता था ना, लाइट वगैरह नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी, तो लोग एक, पता नहीं तुम्हें पता होगा कि नहीं पता होगा, एक डिबरी बोलते थे, ठीक है? छोटा सा एक बोतल लेते थे, बोतल में ऊपर जो उसका ढक्कन होता था उसमें छेद करके एक बाती, बाती समझ रहे हो, एक कपड़े का या किसी चीज का डाल देते थे और उससे जलाते थे, ठीक है? खैर, मैंने वो चीज देखी है। और उसका एक अपग्रेडेड वर्जन लालटेन आता था, ठीक है? फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, मतलब वो सब लाइट के लिए यूज करते थे जब बिजली वगैरह नहीं आती थी, लोगों के पास इन्वर्टर नहीं होता था, बैटरी नहीं होती थी, तो यही यूज किया जाता था बेसिकली। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी, क्योंकि
रीजन क्या है, अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है, अचीव, अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है, अचीव या कंप्लीट हम कह सकते हैं, अचीव या कंप्लीट। और कंपोज का मतलब होता है किसी चीज को फॉर्म करना, ठीक है, या किसी चीज को मेक बनाना, या कह सकते हो कंपोज, इन्होंने गाना कंपोज किया है सुना होगा, राइट, ठीक है, लिखना, या हम लोग बोल सकते हैं ड्रॉ अप, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रचना, किसी चीज की रचना करना, ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग। एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा एग्जीक्यूट। तो सही मायने में यहाँ कह रहा है कि जो स्टील को कट करते हैं, मतलब लालटेन बनाने जो मैन्युफैक्चर करते हैं स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, वो बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चर। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ ना कि अगर तुम सेंटेंस को पढ़ लो, सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये जो मीनिंग होती है अगर ये तुम्हें क्लियर हो तो तुम्हारा आंसर बहुत इजीली निकलता है। जैसे यहाँ पे देखो, सेकंड सेकंड में लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट एंटोनिम, कहने का मतलब ये तुम्हें अपोजिट वर्ड की बात कर रहा है। इनऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो इनऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव हम बोल सकते हैं, अत्यधिक, ज्यादा, ठीक है। या हम इसको एक वर्ड आपको और दे देते हैं, इमॉडरेट, एक वर्ड और क्या है, इमॉडरेट, तो ये होता है इनऑर्डिनेट का मतलब, बहुत ज्यादा लिख सकते हो आप हिंदी में। वैसे हिंदी मत लिखा करो, मैं तो बार बार यही सजेस्ट करता हूँ, ऐसे ही समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि सभी लोगों को पता है एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ था तुम्हारा, अनड्यू, एक ऑप्शन था एक्सट्रीम, एक ऑप्शन है एक्सॉर्बिटेंट, एक ऑप्शन है रीजनेबल। अच्छा, सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसका आंसर, अनड्यू का मतलब क्या होता है, ये तो खैर सबको पता होगा, इम्प्रॉपर, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर, ओके। या हम इसको एक वर्ड और बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर के साथ साथ अगर तुम चाहो तो इसको एक्सेसिव भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, चाहे हो तो एक वर्ड और दे सकते हो, इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड का अपोजिट डी, सेकेंड का, क्योंकि देखो इसका मतलब इनऑर्डिनेट का मतलब एक्सेसिव तो होता ही होता है, ठीक है, और उसके बाद एक्सट्रीम मतलब भी एक्सेसिव होता है, एक्सॉर्बिटेंट का मतलब भी इमॉडरेट होता है, मतलब एक्सेसिव होता है, तो यहाँ पे जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, रीजनेबल, ठीक है। वो सब बाकी उसके तीनों क्या थे, उसके सेनोनिम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है, जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसका आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ, मैं आपको पता है इस पूरे मॉक टेस्ट में मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, आप जो कोई कमेंट करके मुझे बताओगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बेसिकली मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो आप आंसर कर पाते हो कि नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको लगेगा कि सर इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, या कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा, या जो एरर का पार्ट है वो शायद आप यहाँ पे पिक नहीं कर पाओगे, तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर थ्री का आप लोग कॉमेंट करना, ठीक है। नहीं 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 नहीं, आप लोग तुक्का नहीं मारिए, ठीक है, तुक्का मत मारिए, आप लोग को इसको पढ़ के समझ के आप आंसर करना है आपको। चलो आ जाओ यहाँ पे, करंट की बात अगर हम लोग करें, इसमें क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, यहाँ पे सिनोनिम्स की बात कर रहा है, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स की बात कर रहा है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि करंट का मतलब क्या होता है। करंट का मतलब देखो क्या होता है, कॉमन, एक तो हम इसको कॉमन बोल सकते हैं, कॉमन मतलब जनरल भी बोल सकते हैं, इन जनरल कोई सामान्य चीज है, कॉमन चीज है, ठीक है, यूजुअल, या हम इसको सर्कुलेटिंग बोल सकते हैं, ठीक है, सर्कुलेटिंग भी बोल सकते हैं, जिसको तुम लोग हिंदी में क्या बोलते हो, प्रवाह। अच्छा, प्रवाह चाहे जिस चीज का भी हो, चाहे जल का प्रवाह हो, चाहे विद्युत का प्रवाह हो, ठीक है, विद्युत इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी, हम बोलते हैं ना करंट, जो वो प्रवाह होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो चाहे वो जल की हो, उसके लिए हम बोल सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में आप जनरल, सर्कुलेटिंग या कॉमन वर्ड भी समझ सकते हो। और एंटीक्वेटेड का मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है एंसियंट, एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है, एंसियंट मतलब पुराना, ग्रोन ओल्ड हम लोग ये बोल सकते हैं, ग्रोन ओल्ड, ठीक है, जो चीज पुरानी हो जाती है, एंटिक बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रोन ओल्ड, एंटिक, एंसियंट। अगर हम यहाँ पे अनकॉमन की बात करें तो ये कॉमन का ही अपोजिट है, अभी मैंने बताया था, ठीक है, और ओल्ड है, प्रेजेंट है, खैर ये दोनों की मीनिंग आपको पता है, ओल्ड और प्रेजेंट। तो करंट के अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा फोर्थ का क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पे किससे लिया गया है, करंट का प्रेजेंट से लिया गया है, तो इसका सिनोनिम्स का हो जाएगा डी,
ठीक है। देखो ओल्ड तो वैसे भी नहीं हो सकता था क्योंकि करंट का करंट जैसे ना करंट सिचुएशन क्या है हम बोलते हैं, तो मतलब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हम ये चीज बोलते हैं, तो करंट का क्या हो जाएगा प्रेजेंट। नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं तुमको जब भी बता दूं, मैंने इसको 2 सेकेंड लगता है जब भी कोई पैसिव फॉर्म के लिए आता है क्वेश्चन, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 2 सेकेंड लगता है करने के लिए। हाँ लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाने के लिए जो टिपिकल होते हैं सही माने में, वो आपको समझ में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने अपने कोर्स में करा रखा है। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर उसने मेरा कोर्स ले रखा है, अगर उसने पढ़ा है, मेरा एक्चुअली कोर्स 100+ आवर्स का है, मैंने पढ़ा रखा है मोस्टली स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे देखते हैं, तो उसमें मैंने वायस के बहुत डिफिकल्ट और टिपिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो नहीं आते। ये सब तो बहुत हल्के हैं, मतलब ये देखते ही कर दोगे। इसमें जरा तुम एक चीज देख के बताओ, जैपनीज एम्परर ये जो लिखा है अकीतो, ये सब्जेक्ट है, ये तुम्हारी क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और ये रहा तुम्हारा क्या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इतनी छोटी सी बात सभी लोगों को पता है कि हम जब भी क्या करते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो बस इतना देख लो ये ऑब्जेक्ट जो है उसका सब्जेक्ट किस में बना है, तो ए को काट दो यहां, तो इसने जापानीज एम्परर ये गलत है, तीनों में है। अच्छा जब तुमको दिख जाए ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, तुरंत एक काम किया करो वर्ब देखा करो, ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का किस में बनाते हैं कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या वाज होना चाहिए। देखो वाज किस में है, एक वाज इसमें है, इसमें तो हैज आ गया काटो, इसमें इज आ गया काटो, ये आंसर हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये बहुत इजीली तुम लोग कर सकते हो, मतलब एलिमिनेशन बस तुमको आना चाहिए, अगर तुम एलिमिनेट कर पा रहे हो तो तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अच्छा बहुत जो टिपिकल कॉन्सेप्ट है वो मैंने पढ़ा रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे बहुत रेयरेस्ट जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं पूछे नहीं जाते, मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके लिए एक सेशन मैं अलग से कर सकता हूं अगर आप लोग बोलोगे तो। क्वेश्चन नंबर छह में देखो क्या दिया है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवेन, क्या है इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर जो छह है इसके लिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये आपसे पूछा है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो आपका दिया गया है इसको वन वर्ड में हम क्या बोले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, कह रहा इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज जो समझना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो, इम्पॉसिबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इनऑडिबल का देखो ऑडिबल मतलब होता है सुनने योग्य। ठीक है, इनऑडिबल मतलब जो सुना ना जा सके। इनकम्प्रेंसिबल का मतलब क्या होता है, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल बोल सकते हो, अनकंसीवेबल बोल सकते हो। ठीक है, इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होता है, असंगत, अनसुटेबल बोल सकते हो, अनसुटेबल या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोल सकते हो, इनकंसिस्टेंट है, अनसुटेबल है, ये होता है इनकम्पैटिबल का मतलब। इनवेटेबल का मतलब क्या होता है, नेसेसरी, इसका मतलब क्या होता है नेसेसरी। तो सिक्स नंबर का क्या हो जाएगा, बी, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जो चीज इमेजिन भी ना किया जा सके, जिसकी कल्पना भी ना की जा सके, वो ये हो जाएगा इनकम्प्रेंसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं तुम्हें क्लास में मतलब प्रेपोजिशन के सेशन में करा चुका हूँ। ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, ट्राइड क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अच्छा सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग ये जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। ये 2+ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है। ये तुम्हारी कौन सी वर्ब हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। प्रिवेंट के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है मैंने बताया था क्या होता है, फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ क्या मैंने बताया था, फ्रॉम यूज होता है। अब प्रेपोजिशन के बाद, ये अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, यही होता है। तो अब ये स्मोक तो वर्ब है, स्मोक क्या है, वर्ब है। अगर हम इस वर्ब को नाउन बना दें तो हमें क्या लिखना पड़ जाएगा, स्मोकिंग। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्मोकिंग। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ करेक्ट ऑर्डर लगाने की बात आ रही है, बहुत हलवा दिया गया है। ये 2018 ये 2018 में जो CHSL का पेपर हुआ था वो सब मैं तुम्हें करा रहा हूँ, तो वही मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। प्रीवियस पेपर में कोई दम होता नहीं है, और CHSL जैसे में तो बिल्कुल नहीं होता है,
और इवन मैं मान के चलता हूँ सीजीएल में भी नहीं होता है कुछ। अगर तुम्हें मेहनत करनी होती है तो वो मेंस के लिए करनी होती है, ठीक है, बाकी प्री के लिए इतना सोचना नहीं होता मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे देखो, देख दिया है रीअरेंजमेंट, तुमको PQRS बनाना है, बहुत ही सिंपल है। लिखा है इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय पिप मीट्स एन एस्केप कन्विक्ट इन ग्रेवयार्ड, ठीक है। अच्छा ये एक इसको पढ़ लिया, फिर कह रहा ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस, द नॉवल इज सेट इन केप्ट इन लंडन इन द अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। इन डेपिक्ट्स द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फन नेम पिप। अब एक चीज देखना, बेसिकली सारी बात शुरू हमारी हुई कहाँ से, यहाँ से। ग्रेट एक्सपेक्टेशन वो बता रहा है, एक्सपेक्टेशंस नॉवल है चार्ल्स डिकेंस की, तो ऑब्वियसली हमारा जो पहला होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो ऑप्शन में अगर हम आ जाएं तो ये ए से शुरू है एलिमिनेट करो, ये बी से शुरू एलिमिनेट करो, ये सी से एलिमिनेट शुरू करो, ये डी, ठीक है। ये देखो सारे के सारे एलिमिनेट हो गए, हमारे पास आंसर क्या बचा, ये बी सी डी ए। तो आप क्या स्ट्रेटेजी लेकर के एग्जाम में चलते हो बहुत मैटर करता है, ठीक है। मोस्टली टाइम आप कंफ्यूज भी होते हो, लेकिन मोस्टली टाइम एलिमिनेट करके आप तुरंत आंसर बना लेते हो, तो उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड्स, ठीक है। बस ये पढ़ने में जो दो तुमको 5 से 10 सेकेंड लगे, पढ़ने में जितना टाइम लगे बस वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जरा आंसर करना आप लोग, तो एक बार इसको शेयर कर दो यार, तुम लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे या कहीं और पे जहां पे भी कर सकते हो, अभी एक बार इसको शेयर कर देना। तो एक बार इसको शेयर कर देना, उसके बाद आंसर कर। चलो यहां पे देखो क्या दिया हुआ, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन, मतलब वन बाय सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब यहां पे देखना लिखा हुआ, अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो। अच्छा जिनको नहीं पता मैं ये बता दूं, ये जो लिखा हुआ यहाँ पे डोम शेप, डोम शेप का मतलब होता है गुंबदाकार, क्या होता है गुंबदाकार, तुम लोगों ने देखा होगा कुछ गुंबदाकार ऐसे होते हैं ना, ठीक है, डोम शेप के होते हैं कुछ बने हुए कंस्ट्रक्शन, उन्हीं को हम बोलते हैं। शेल्टर मतलब आप लोगों को पता ही होगा असाइलम होता है, जिसको हम लोग आश्रय बोलते हैं, ठीक है, असाइलम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रय, ठीक है, शील्ड बोलते हैं, सिक्योरिटी भी बोल देते हैं इसको हम लोग, और रिट्रीट भी बोल देते हैं। और क्या दिया है, शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड नाउ, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे जो वर्ड चैलेट दिया है, ये होता है लकड़ी का बंगला, ठीक है, मेड ऑफ वुड, ये क्या होता है लकड़ी का बंगला, जो वुड मतलब लकड़ी का बना होता है ना बंगला, उसको हम बोलते हैं। ये जो विगवैम होता है, ये क्या होता है, हट ऑफ एन अमेरिकन इंडियन, मतलब जिसमें जिस झोपड़ी में इंडियन अमेरिकन रहते हैं उसको विगवैम बोला जाता है, हट ऑफ एन अमेरिकन इंडियन, ठीक है। ये इसका मतलब पता है, इग्लू, इग्लू क्या होता है कि एस्कीमोज लिव इन इग्लूज, जो एस्कीमोज होते हैं ना, एस्कीमोज लिव इन इग्लूज, तो जो एस्कीमोस जिसमें रहते हैं उसको इग्लूज बोलते हैं, और जिसमें इंडियन अमेरिकन इंडियन रहते हैं उसको विगमैम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 9 का जो आंसर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी, अ टाइप ऑफ डोम शेप शेल्टर फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, उसको इग्लू बोलते हैं, उसमें एस्कीमोस रहते हैं, ठीक है, हाँ, आइस का घर जो होता है। नेक्स्ट देखो, ये तो खैर आसान था, बहुत बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का क्या हो जाएगा, टू डू हार्म एज डन टू यू, मतलब ऐसे समझ लो ना, सठम प्रति साठ्यम, तुम लोगों ने संस्कृत पढ़ा है क्या, अगर संस्कृत पढ़ा होगा तो संस्कृत में एक यही लाइन थी, सठम प्रति साठ्यम, मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार, जो आपके साथ जैसा करे उसके साथ वैसे ही उसको ट्रीट करना, तो डू डू हार्म एज डन टू यू, मतलब वही चीज उसको हार्म उसी तरीके से पहुंचाना जैसे उसने आपको पहुंचाया, ठीक है। 11 में क्या है idiom, बाइट योर टंग,
ठीक है, इसमें इडियम क्या दिया, बाइट योर टर्न। तो 11 का क्या होगा, डी, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। ठीक है, तो ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली भैया पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, जो प्रीवियस पेपर के एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं। अगर आप लोग एक बार पूरे प्रीवियस पेपर को अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़रूरत है इधर उधर जाने की। आप 70-80% आपके क्वेश्चन ऐसे ही फंस जाने हैं, क्योंकि जो SSC का ट्रेंड है वो यही चलता आ रहा है कि 70-80% प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन दिए जाते हैं। आज तक जिन लोगों ने एक साल में सिलेक्शन लिया है, वो बहुत उनका मोटिव क्लियर था, वो सिर्फ अपने कंसेप्ट को पढ़े हैं, किसी भी टीचर से उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद अपना कंसेप्ट तो स्ट्रांग बहुत करना पड़ेगा, उसके बाद सिर्फ उन्होंने प्रीवियस पेपर लगाए हैं और मॉक टेस्ट दिया है, सिलेक्शन ले लिया। 72 PDF डाउनलोड नहीं करते थे, 72 टीचर के पास नहीं जाते थे, ठीक है, उसके साथ 72 किताबें नहीं खरीदते थे वो कि हाँ ये किताब से कर लूँ वो किताब से कर लूँ। उनका मोटिव बहुत क्लियर था, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, प्रीवियस पेपर लगाना था, एक मॉक टेस्ट देना था, सिलेक्शन पक्का। ठीक है, ऐसे होता है सिलेक्शन, बाकी आप क्या कर रहे हो वो मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ये नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, मैंने पहले पता, नो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन में आपका एक सेंटेंस होता है जिसमें एक आपको बोल्ड वर्ड या अंडरलाइन वर्ड दे दिया जाता है, अगर उसमें कोई एरर है तो बेसिकली आपको यहाँ पे ऑप्शन पिक करना पड़ेगा सही जो है, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हो, मैं छोटी सी एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है यहाँ से आपको सीख लें। ये जो होता है ना डिलाइट, अगर आप डिलाइट के साथ विद का यूज करते हो तो पता है डिलाइट विद क्या होता है, ऑब्जेक्ट दैट प्लीजेज यू, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट प्लीजेज यू, मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऑब्जेक्ट, जो कोई थिंग, कोई वस्तु, कोई भी चीज जो आपको खुशी दे उसको हम बोलते हैं डिलाइट विद। अगर लेकिन याद रखिएगा, डिलाइट के बाद अगर हम लोग अबाउट लगा देते हैं तो डिलाइट अबाउट क्या होता है कि अ सिचुएशन दैट प्लीजेज यू, मतलब अगर कोई सिचुएशन आपको खुशी देती है तो वहाँ डिलाइट अबाउट, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको प्लीज करता है तो वहां पे होता है डिलाइट विद। तो यहाँ कह रहे द बॉयज वर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं कि इफ कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई सिचुएशन हो जो आपको प्लीज कर रही हो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आइडिया, तो ऑन द आइडिया नहीं, एट द आइडिया, ठीक है, डिलाइट एट द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। तो अच्छा, इसके साथ में ये भी याद रखना, डिलाइट विद और डिलाइट अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट देखना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। अब यहाँ पे देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और इसमें क्या होगा ये देखना। क्वेश्चन नंबर 13, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव स्टार्टेड टू टेक, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे करने का एक तरीका पहले मैं बता देता हूँ, इसको ऐसे भी देख लिया करो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है, ये तुम्हारी फाइनाइट वर्ब है और ये तुम्हारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अच्छा, ये दोनों वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब का यहाँ पे क्या लिखना है हमको, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या होगा, ऑब्वियसली नाउन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव स्टार्टेड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरू कर दिया है टू टेक ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, क्या शुरू कर दिया है, परसेप्शन करना शुरू कर दिया है, कग्निजेंस करना शुरू कर दिया है, नॉलेज करना शुरू कर दिया है, या अटेंशन करना शुरू कर दिया है। तो देखो, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, या हम बोल सकते हैं सेंस, या हम बोल सकते हैं नोशन, हम बोल सकते हैं आइडिया, ठीक है, ये होता है परसेप्शन का मतलब। अगर हम कॉग्निजेंस की बात करें तो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है डिटेल्ड नॉलेज अबाउट समथिंग। हिंदी में मजा नहीं आएगा भैया, हिंदी में अगर करेंगे आप ना, बहुत चीजों की आपकी सेम मीनिंग निकल जाएगी। डिटेल्ड नॉलेज, यहाँ पे बीच में नॉलेज लिख लेना, अबाउट समथिंग, ठीक है, डिटेल्ड नॉलेज अबाउट समथिंग। नॉलेज मतलब पता क्या होता है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव स्टार्टेड टेक कग्निजेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको डिटेल्ड नॉलेज अबाउट समथिंग, ठीक है, मतलब क्या है, उसके बारे में डिटेल नॉलेज लेना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, देखो तुम्हें क्या होता है ना कि जो फिलर्स होते हैं उसमें सुटेबल वर्ड भरने होते हैं, कहने का मतलब ये कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे परसेप्शन मतलब अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कग्निजेंस मतलब डिटेल्ड
इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड नॉलेज अबाउट समथिंग, बीच में इन्फॉर्मेशन लिख लेना, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन या डिटेल्ड नॉलेज अबाउट समथिंग, तो वो किसी भी चीज के बारे में क्या करेंगे, डिटेल्ड नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर उन्होंने वो चीज शुरू कर दी, तो बी ऑप्शन होगा तुम्हारा। ये देखो बहुत ईजी था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये जो जियो पैराडाइज लिखा है, इसका इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है हजार्ड या इनडेंजर, हजार्ड होता है या इनडेंजर होता है, ठीक है। अगर अप्रोप्रिएट एंटोनिम, अगर ये अपोजिट वर्ड की बात कर रहा है तो अपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये इसका सेनोनिम होगा, ये भी इसका, थ्रेटन भी इसका सेनोनिम, एम्पेरिल भी इसका सेनोनिम होगा, ठीक है। एम्पेरिल मतलब होता है जोखिम में डालना, तो अगर इसका हम अपोजिट वर्ड बोले तो प्रोटेक्ट होगा, ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट, 14 का सी। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे आपका 15, ये देखो ये भी बहुत इजीली कर सकते हो तुम लोग। पहले ढूंढने की, देखो जब भी PQRS के क्वेश्चन आए, ठीक है, पहले पूरा का पूरा सेंटेंस को पढ़ा करो और उसके बाद देखा करो तुम लोग कि क्या यहाँ पे पहला सेंटेंस हम शुरू किससे करें, तो इससे तुमको एलिमिनेशन मिल जाएगा। अब तुम एलिमिनेट कैसे करोगे, कह रहा वन फाइन मॉर्निंग अ हंटर वाज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग, कह रहा एक सुबह जो हंटर था शिकारी, ठीक है, वो तैयार हो गया शिकार करने के लिए, मतलब जाने के लिए, शिकार करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। ही पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, और उसने सोते हुए बच्चे के ऊपर से ब्लैंकेट क्या कर दी, खींच दी, ठीक है, उसी का बच्चा रहा होगा। एज ही डिड सो, जैसा उसने ऐसा किया, थॉट द ब्लैंकेट वॉज नॉट वार्म इनफ, मतलब उसे ऐसा लगा कि ब्लैंकेट जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं था, ठीक है। बिफोर डिपार्चिंग मतलब प्रस्थान करने से पहले, रवाना होने से पहले, ही वेंट टू सी हिज लिटिल बेबी हु वाज स्लीपिंग इन अ क्रीप, उसने अपने छोटे से बच्चे को देखा जो क्रीप में सो रहा था। क्रीप का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को, क्रीप का मतलब क्या होता है, स्मॉल बेड फॉर बेबी, अ स्मॉल बेड फॉर बेबी, अ स्मॉल बेड फॉर बेबी, ठीक है, बच्चों के लिए जो सोने का आता है ना, वो पालन जैसा वो झूलना रहता है, इसी को क्रीप बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वन फाइन मॉर्निंग हंटर वाज, अब हमें पता चल गया यहाँ पे देखो ये क्या लिखा था, ही, ठीक है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन बेसिकली किसको रिप्लेस करता है, नाउन को, बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पे भी वही चीज ही लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ प्रोनाउन है तो ऑब्वियसली नाउन होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी देखो ये है तो कहीं ना कहीं नाउन होगा, मतलब हर बार ऐसा नहीं होता कि नाउन के लिए प्रोनाउन, कभी पूरे सेंटेंस में प्रोनाउन ही दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखो अगर ये प्रोनाउन दिए गए हैं तो ऑब्वियसली ये नाउन को रिप्लेस कर रहे होंगे ना, ये सब किसी न किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे होंगे। अब नाउन क्या है, ये अ हंटर, तो इसी को तो रिप्लेस कर रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा पहला क्या हो जाएगा, ए। अब देखो ए से कौन कौन से शुरू है, ए से अगर हम लोग बात करें तो ए शुरू है, बी शुरू है, तो सी को एलिमिनेट करो, डी को एलिमिनेट करो, ये तो तुरंत हो गया तुम्हारा एलिमिनेशन, ठीक है, ये तो एलिमिनेशन तुम्हारा तुरंत हो गया। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास बचा क्या, एक ये बचा, एक ये बचा, चलो ए के बाद क्या हो जाएगा, वन फाइन मॉर्निंग अ हंटर वाज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग, उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ही पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड होगा, एज ही डिड सो ही थॉट द ब्लैंकेट वाज नॉट वार्म इनफ होगा, या बिफोर डिपार्चिंग होगा, क्या होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, सी या बी, देखो अब यहाँ पे मेरी बात को सुनना, जब उसने कहा कि जब वो शिकार के लिए तैयार हो गया, ठीक है, जाने के लिए, देखो यहाँ पे क्या बोला, वाज गेटिंग रेडी, मतलब वो तैयार था टू गो हंटिंग, शिकार पर जाने के लिए, तो अब जाने के लिए तैयार था, तो अब देखो डिपार्ट मतलब क्या होता है, डिपार्ट मतलब होता है रवाना होना, प्रस्थान करना, ठीक है, ही वेंट टू सी मतलब प्रस्थान करने से पहले, जब यहाँ पे रेडी बोल चुका है तो रेडी के बाद क्या ही करेगा, डिपार्ट ही तो करेगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, अपने बेबी को देखा जो भी जो क्रिप में सो रहा था, तो ए के साथ क्या लगेगा, डी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, ए के साथ सी, ठीक है। और वैसे भी देखो ये सी वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी जब भी आएगा वो बी के बाद आएगा, क्योंकि पहले उसने ब्लैंकेट को क्या किया, चाइल्ड के ऊपर से खींच लिया, ठीक है, उसके बाद उसको ऐसा फील हुआ कि ब्लैंकेट बहुत ज्यादा वार्म नहीं था, ये कैसे पता चलेगा, खींचने के पुल करने के तो बाद ही पता चलेगा ना, तो इससे भी हमें क्लियर हो गया कि हमारा ये जो बी के बाद ही सी आ सकता है, उसके पहले नहीं, तो ये हमारा बी ऑप्शन होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो हाँ, क्या नीलेश पटेल जी का है आंसर, 16 का क्या हो जाएगा, डी, और कोई आंसर करेगा। अच्छा ये बताओ तुम लोग को ये PQRS समझ में आ रहा है ना, ये PQRS जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर है तुम लोगों को, एक बार कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, डी होगा, हाँ जी सही है।
ये सब खैर, तो मैं देखो इसका एक तरीका मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे करना है तुम लोगों को, ठीक है। चलो अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन तुमको कहाँ दिया था, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया था, दो क्वेश्चन मैंने तुमको दिए, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें कहाँ दिया था, तुम्हें जो करके क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री तुम्हें करने हैं, ठीक है। उसके साथ तुम्हें कौन सा एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ जो कमेंट करके तुम्हें बताने हैं, दोनों स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 17, ये दो क्वेश्चन है जो कमेंट करके आपको बताने हैं, ये दो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। आई होप सो कि ये कमेंट करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर इज योर कार। मैंने बार बार एक ही चीज बताई है, अगर तुम लोग कंफ्यूज रहते हो तो पहले सुन लो, ये जो स्पीकर शॉपकीपर लिखा है, ये रिपोर्टर नहीं होता, ये स्पीकर होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और रिपोर्टर कौन होता है, ये, क्योंकि यही रिपोर्ट करता है। शॉपकीपर ने मुझसे कहा वेयर इज योर कार, ठीक है, तो रिपोर्ट कर, ये स्टेटमेंट को रिपोर्ट करने वाला कौन है, ये, ठीक है, बता तो यही रहा, तो ये रिपोर्टर है, और ये क्या होगी तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने हमेशा एक ही चीज समझाई है, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो तो पहले रिपोर्टेड स्पीच में चले जाओ और देख लो सेंटेंस कौन सा है। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, आस्क। तो यहाँ पे देखो आस्क कहाँ कहाँ लगा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, चलो सब में लग गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जब तुम्हारा ये रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, अगर ये किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है। कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके जगह हम इफ या वेदर का यूज कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे भी वेयर, यहाँ पे वेयर, यहाँ पे वेयर, यहाँ पे वेयर, चलो ये भी बात सही हो गई। अब अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया तो इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। लेकिन यहाँ पे देखा जाए वेयर माई कार इज लिख दिया है, तो इसका क्या बन जाएगा, वाज बन जाएगा, ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर तुम्हें बात समझ में आ रही है तो अगर इज है तो हम उसका क्या बना देंगे, वाज बना देंगे। लेकिन यहाँ पे माई कार इज लिखा था, एलिमिनेट करो, वाज माई कार होगा नहीं क्योंकि पहले सब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पे इज होगा नहीं, ठीक है, गलत भी है क्योंकि कार पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर माई कार वाज, ए। अगर एलिमिनेशन आ गया तो आप बहुत ईजिली कर लोगे, ठीक है, सब कहानी आपके एलिमिनेशन की है, कितनी जल्दी आप कर पाओगे। यहाँ पे देखो रॉन्गली स्पेल्ड पूछा हुआ है, ठीक है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, तो 19 का क्या हो जाएगा, बी, इसका स्पेलिंग गड़बड़ है। अब आ जाओ भाई आप लोग क्लोज टेस्ट पे, ठीक है। मैंने एक चीज नोटिस किया है, व्यूज वगैरह पेपर में नहीं आते हैं, मॉक टेस्ट आप अगर इनको करा रहे हो तो उसमें नहीं, जैसे स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन लेकर के चले आओ 10, ठीक है, इस पे कोई 5 क्वेश्चन, तो इस पे मुझे लग रहा है स्टूडेंट ज्यादा देखते हैं, मतलब मॉक टेस्ट में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ एक पूरा का पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व कर लें हम, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो एक बार ये पैराग्राफ, और मुझे आप बताओ कि यहाँ पे क्या हो सकता है। एक बार मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप एक बार इसको पढ़ो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, एक बार इसको पढ़ो फिर आंसर करने की कोशिश करो। कौन कर सकता है, चलो आंसर भी आना शुरू हो गया। शशांक गुप्ता बता रहे हैं 19 का बी, 20 का क्या बता रहे हैं, स्वागता नंदी 20 का बता रहे, 20 का डी, ओके, और कोई, इज देयर एनीवन, कोई नहीं। चलो देखो पहले क्या करना होता है, मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, सबसे पहले कोई भी क्लोज टेस्ट हो सबसे पहले तुम्हें पूरा का पूरा पढ़ना है, इस बात को मेरे ध्यान रखना, कोई भी क्लोज टेस्ट हो तुम्हें पूरा का पूरा सबसे पहले पढ़ना है, पहले फिल नहीं करना है, ठीक है। चलो नीलेश पटेल का भी आंसर आ रहा है, स्वागता का भी आंसर आ रहा है, 20 PM का स्वागता ए बता रही है, ओके, चलो तुम्हारे आंसर सही हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट बहुत इजी है, एक बार इसको पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाहता है। लिखा हुआ है कि ट्रेड ऑन द न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड ऑन द न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वॉज टू अ स्टैंड स्टिल
ऑन एन ऑटम डे इन 1994, कह रहा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार को एक शरद ऋतु के दिन 1994 में एक ठहराव में लाया गया, या कह सकते हैं 94 में उसको लाया गया, ठीक है। कह रहा है कि आगे द कल्प्रिट फॉर द आउटेज, आउटेज का मतलब तुम लोग को पता है, आउटेज का मतलब होता है कटौती का टाइम, ठीक है। आउटेज का मतलब क्या होता है, कटौती का जो टाइम होता है उसी को हम आउटेज बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि द कल्प्रिट फॉर द आउटेज वॉज ए स्क्वेरल, मतलब वो जो कटौती हुई थी दैट हैड चिप्ड थ्रू अ पावर लाइन नियर द कंप्यूटर सेंटर। कह रहा आउटेज के लिए अपराधी एक गिलहरी थी जो एक ट्रबल कनेक्टिकट में बैंक के कंप्यूटर सेंटर के पास एक पावर लाइन के माध्यम से चबाया था, ठीक है। तो उसमें आगे बोल रहा है कि आधे घंटे तक चलने वाला जो शटडाउन, जिसके मतलब जो आधे घंटे तक का शटडाउन हुआ था, उसके पीछे रीजन यही था कि जो उसने उस वायर को क्या कर लिया था, च्यू कर लिया था उस स्क्वायरल ने, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि ट्रेड ऑन द न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाज टू स्टैंड स्टिल ऑन ऑटम डे 94। तो कह रहा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार को एक शरद ऋतु के दिन 1994 में एक ठहराव में लाया गया था, ठीक है। अब मेनली क्या होता है ना कि अगर एक बार तुम इसको समझ लो, मतलब ये जो इसकी मीनिंग है अगर एक बार तुम समझ लो तुम इजीली कर सकते हो। तो देखो करने के काफी तरीके हैं, यहाँ पे वाज लिखा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसके बाद या तो आई एन जी फॉर्म आएगी या तो थर्ड फॉर्म आएगी। अगर ये एक्टिव वॉयस में है तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म, अगर ये पैसिव वॉयस में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टॉक एक्सचेंज तो खुद तो इस्टेब्लिश होगा नहीं, अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है खुद तो इस्टेब्लिश होगा नहीं, उसको तो करना पड़ेगा। तो ये तो वर्क की थर्ड फॉर्म लगेगी, पैसिव वॉयस। तो पैसिव वॉयस में देखो तीनों के तीनों वर्क की थर्ड फॉर्म है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि ट्रेड एक्सचेंज वाज वर्क नहीं, हैपन नहीं, टेकन नहीं, ब्रॉड, क्योंकि 1994 में वो इस्टेब्लिश किया गया था, 1994 में वो लाया गया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, मैंने ऑलरेडी तुमको सब कुछ पढ़ा रखा है, कल ही बताया था, कल वाला सेशन देखो मैंने तुमको इन डिटेल बताया था, डेज के लिए, डेट्स के लिए ऑन का यूज होते हैं, और डॉन है, डस्क है, ठीक है, स्पेस है, टाइम है, और प्लेस है, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट है, सनराइज है, उसके बाद हम सनराइज है बोल सकते हैं, सनसेट है, डॉन है, डस्क है, ठीक है, मिडनाइट है, नून है, तो उनके लिए हम एट का यूज बताए थे। बेसिकली बाई हम मैनर के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन 1994 द कल्प्रिट फॉर द आउटेज, कह रहा कि आउटेज के मतलब जो कटौती का जो कल्प्रिट जिसको माना गया वो क्या था, एक स्क्वायरल था। अब एक चीज देखना, द कल्प्रिट ऑफ द आउटेज, तुमको एक सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ, एक बार सेंटेंस को देखो, यहाँ पे क्या लिखा वाज, किसमें सेंटेंस का रेफरेंस दिया जा रहा है, पास्ट में, इसका रेफरेंस किसमें, पास्ट में। अब एक चीज बताना, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, ये है कल्प्रिट, ये फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, द आउटेज उस प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो एडजेक्टिव फ्रेज होता है या तो एडवर्ब फ्रेज होता है। तो ये फॉर द आउटेज लिखा किसके लिए गया, कल्प्रिट के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारी एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, मेनली सब्जेक्ट तुम्हारा कल्प्रिट है, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब तो लगेगा नहीं, ठीक है। हैज जरूर लग सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हैज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वाज, 22 का सी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, अगर आपको तरीका नहीं पता तो यही तरीका है, दोनों तरीके से, मीनिंग के थ्रू, ठीक है, सेंटेंस के कंटेक्स्ट के थ्रू, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो सारा कुछ काम करता है यहाँ पे। अगला देखो, 23, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, पहले में हमारा क्या था, ब्रॉड, ठीक है, दूसरे में क्या हमने भरा, इन, तीसरे में क्या भरा, वाज। नेक्स्ट, वाज अ स्क्वायरल दैट हैड चिप्ड थ्रू अ पावर लाइन नियर कंप्यूटर सेंटर ऑफ द, उसने क्या कर दिया था, चबा दिया था, जिसकी वजह से आधे घंटे क्या था, बाधित था, ठीक है, उनका जो कुछ भी काम था, कंप्यूटर सेंटर ऑफ द। देखो एक चीज मैं बताता हूं, अ पावर नियर द कंप्यूटर सेंटर ऑफ द, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, द डिटरमिनर या आर्टिकल कह लो, जाहिर सी बात है यहां हमको क्या चाहिए, नाउन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4, कितने लोगों का आंसर आ गया, 23 का सी, ट्वेंटी थ्री का कुछ बता रहे हैं ए, कुछ बता रहे हैं सी, क्या हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सचेंज। ये टाउन कहां से आ गया? हम बात किसकी कर रहे हैं? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। भैया एक चीज बताऊं आप लोग को, जब भी आप सेंटेंस में फॉरवर्ड चला करो तो पीछे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको रिलेट करना होता है। अब देखो कुछ लोगों का आंसर आ गया, बहुत बेतुका आंसर था, खैर ये नहीं होना चाहिए। स्वागता, तुमने हर कुछ सही करा था लेकिन यहाँ पे तुमने ये गलती करा, तुमने बोल दिया टाउन। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हो ट्रेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कब स्टेब्लिश किया गया, कब लाया गया, 1994 में लाया गया। द कल्प्रिट फॉर द आउटेज, मतलब जो कटौती हुई थी उसका अपराधी किसे माना गया? एक स्क्वायरल को, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया था, जैसे देखो चूहे वगैरह क्या होते हैं कि जो पावर लाइन वगैरह होती है उसको कुतर देते हैं, ठीक है, चबा जाते हैं, ठीक है, ऐसा तो कुत्ते भी कर देते हैं, खैर घर में होते हैं आपके। तो द कंप्यूटर सेंटर ऑफ द एक्सचेंज, तो कहाँ की बात हो रही है, ये तो यहाँ एक्सचेंज की बात हो रही है ना, तो तुम लोग यहाँ पे टाउन वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है, टाउन स्टोर या बैंक नहीं, सीधी सीधी बात है, वहां पे दे रखा है तुमको। मुझे लग रहा है आई होप सो क्लियर हो गया होगा तुमको ये बात। नेक्स्ट देखो, इन ट्रम्बल कनेक्टिकट द शट डाउन लास्टेड फॉर हाफ एन आवर, रिजल्टेड इन द NYSE ऑपरेटिंग एट 85% कैपेसिटी। ठीक है, तो ये कितनी देर तक चला शटडाउन? आधे घंटे तक चला। तो शटडाउन के बाद क्या होगा? विच लास्टेड, व्हाट लास्टेड, हु लास्टेड, हुम लास्टेड। देखो एक चीज बताऊं, हु लिविंग बींग के लिए यूज किया जाता है, हुम भी लिविंग बींग के लिए, यानी पर्सन के लिए, ऐसे कर सकते हो कि पर्सन के लिए यूज करते हैं, मैंने इसको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया है। हु क्या होता है? सब्जेक्ट। हुम किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट। तो ये हटा दो क्योंकि ये शटडाउन की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, और बेसिकली अगर हम बात करें नॉन लिविंग बींग के लिए, अच्छा ये लिविंग बींग नॉन लिविंग बींग दोनों के लिए ले सकता है, लेकिन नॉन लिविंग बींग की बात करें विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये होगा। अरे थैंक यू सो मच शशांक, मेरा फर्ज है यार ये पढ़ाना। ठीक है, मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, और मैं करता हूँ अपने साइड से, तो बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना सीख पा रहे हैं इन सारी चीजों से। मैं ट्राई यही करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर ना करूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आपको चीजें बताने की कोशिश करूँ, मतलब जल्दी हो बट वो चीज लॉजिकल हो, वो चीज टेक्निकल हो, वो चीज समझो, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तो वो रीजन भी मैं बताना चाहता हूँ, और मैं बताता हूँ कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे, जैसे क्लोज टेस्ट ही मैं समझा रहा था तुमको, मैंने ग्रामेटिकली भी समझाया कि कहाँ पे तुम कैसे किस चीज को देख सकते हो, एक एक छोटी छोटी चीजें तुम देख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज, किसी भी बच्चे को अगर ये चीज क्लियर हो, ठीक है, किसी भी बच्चे को ये चीज पता हो, अगर यहाँ शट डाउन लिखा हुआ है तो हु हुम को तो वो ऐसे ही एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं और ये किस पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो तुरंत बिच कर देगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट वाली बात है। ठीक है, अब जैसे किसी बच्चे को पता है 23 में, अगर उसने ध्यान से पढ़ लिया, पता है एक्सचेंज की बात यहाँ पे कर रहा है, तो कंफ्यूज करने के लिए टाउन स्टोर और बैंक दे रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सचेंज की कटौती हुई थी तो वहां की ही बात कर रहे हैं हम, उसके पहले अगर हम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने देखा पूरी चीजें हमारी पास्ट में चल रही है, हमारा पूरा स्टेटमेंट पूरा पैराग्राफ पास्ट में, तो यहाँ देखो तुम कंफ्यूज करने के लिए इज दे दिया, हैज दे दिया, और तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर देके तुमको वर्ब लिख के दे रहा है, तो पास्ट में तो वाज होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, प्रेपोजिशन मैंने पढ़ाई दिया है, कल भी बताया था कहाँ इन बाई एट ऑन, मोस्टली मैं बता देता हूँ जब भी आता है, और यहाँ पे वो पहली बार स्टेब्लिश 1994 हुआ, मैं तो प्रॉट मतलब लाया गया, तो ये सब होती है चीजें पढ़ के करने की। मैं करवा दूंगा यार, तुम लोग व्यूज तो लाओ। ठीक है, अगर तुम लोग मेंस का चाहते हो तो मैं मेंस का करवा दूं, लेकिन वही है कि देखते हो 5 लोग 10 लोग, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर तुम इतनी चीजें करो, इसको शेयर करो, व्यूज वगैरह लाइव वाचिंग थोड़ी सी बढ़ जाए तो मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं, और तुम लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता है, मैं अगर अपने कराने पे आता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से कराता हूँ, मतलब मैं टाइम पास वगैरह नहीं करता, और मैं तो पूरी इस चीज का ओपन चैलेंज भी देता हूँ तुम लोगों की, पूरा यूट्यूब पे ढूंढ डालो, टहल लो, अगर कोई इतना इन डिटेल डिस्कशन करता हो, अगर एक एक चीज तुमको बताता हो तो फिर मुझे बताओ, तुमको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेनली क्या है कि मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश करता हूँ, तुम्हें बहुत कम लोग मिलेंगे जो एक एक चीज को तुम्हारे साथ डिस्कस करें। यहाँ पे कभी कोई वर्ड भी दिया रहता है तो मैं पूरे वर्ड को डिस्कस करता हूँ, चाहे सेनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड हो, वो सारी चीजें भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, तो मेनली इससे आपका इम्प्रूवमेंट बढ़िया होगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 25 ये आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, वैसे मैं बता देता हूँ इसका मीनिंग, बता देता हूँ इसका मीनिंग होता है स्टिक,
या इसको कह सकते हो होल्ड, स्टिक मतलब चिपकना, होल्ड पकड़ के रखना, बी फेथफुल भी होता है, बी फेथफुल। अब तुम्हें क्या बता देना इसका सिनोनिम, इसका सिमिलर वर्ड बता देना, इसका सिमिलर वर्ड। बाकी जो दो क्वेश्चन मैंने दिए थे वो तुम्हें करने हैं, ठीक है? क्या हो जाएगा इसका बताना तुम लोग। ए गुड, सो थैंक यू सो मच सभी लोगों का, ठीक है? आप लोग कल एक मॉक टेस्ट हम लोग और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ और नया करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है? अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो आप लोग को कैसे कैसे प्रैक्टिस मिलेगी आपको सब कराऊंगा मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक में वॉयस और नरेशन के लिए जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो बहुत ही टिपिकल हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट हैं, जो नहीं बनते आप लोगों से, ठीक है, वो करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, वो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्टिव से पैसिव वॉयस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको नहीं फॉर्म कर पाते, नरेशन में नहीं फॉर्म कर पाते, वो चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है? उसके बाद प्रेपोजिशन पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीक में, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। हाँ स्वागता, डेली 9 बजे ही होती है, ठीक है, ये 9 AM पे क्लास डेली लगती है, और मेरे प्रीवियस वीडियोज भी देख सकती हो तुम जिसमें तुम्हें स्पॉटिंग द एरर, मतलब जो कॉमन एरर्स तुम लोग बोलते हो, ठीक है, फिलर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, और मैंने सब करा रखे हैं, साथ में मैं मॉक टेस्ट करा ही रहा हूँ, तो सारे सेशन का तुमको आइडिया लग जाएगा कि अप्रोच क्या होना चाहिए हर सेक्शन का, कि फिलर कैसे करें, वो भी बहुत डिटेल डिस्कशन है। और बाकी 9 AM पे मैं डेली लाइव आता हूँ, लेकिन तुम लोग को ये बता दूँ नेक्स्ट वीक से मेरी टाइमिंग चेंज हो रही है, मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। ये मेरा नंबर है 7991473292, जिनके पास नंबर नहीं है ये ले लो, मैं टाइमिंग चेंज हो रही है, 7 बजे मैं एक बार आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा नेक्स्ट वीक से शाम में 7 बजे, ये अभी से नोट कर लो तुम लोग, ठीक है, 7 बजे हम लोग करेंगे सेशन को नेक्स्ट वीक से। अभी तक तुम्हारा सेशन सुबह के 9 बजे चल रहा था, ओके, तो ये चीज क्लियर है ना, इसमें कंफ्यूज होना नहीं तुम लोग। चलो आज के लिए बस इतना ही, सेशन को लाइक कर देना तुम लोग, कंप्लीट हो जाए तो शेयर कर देना इसको, ठीक है, अपने साइड से जितना कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।